और थोड़ा सा इस तरह से भी लगा देंगे। पैन में हम ये दूध ऐड कर देंगे, फ्लेम को हाई कर लेंगे। एक चम्मच इसमें हम डाल देंगे देसी घी का। दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। स्पून चलाते रहेंगे ताकि ये इसमें लम्स ना बने। साथ ही जो केसर वाला हमने दूध रखा था वो भी ऐड कर लेंगे। दूध में जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा ये जो हमने पनीर ग्रेट करके घिस कर रखा है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, पनीर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है पड़ा हुआ तो आप डाल दीजिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो भी हमारे जो मोदक हैं बहुत ही बढ़िया बनेंगे। बस अब इसको हमने ये स्पून चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए मावा बनना शुरू हो गया, ये मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो रहा है। थोड़े से हम इसमें इस टाइम पे ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, बाकी हम बाद में यूज करेंगे। ये देखिए गाढ़ा हो गया, अब इसमें हम जो चीनी रखी थी वो ऐड कर देंगे। चीनी एकदम से पानी छोड़ेगी तो इसका पानी भी हमें ड्राई करना है। फ्रेंड्स, स्पून हमने बिल्कुल कंटिन्यूसली चलाते रहना है। ये देखिए चीनी का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और ये साइडों से जो हमने घी डाला था वो घी भी निकलना शुरू हो गया। तो ये हमारा मोदक का मिक्सचर बिल्कुल बनकर रेडी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये देखिए मिक्सचर हमारा बिल्कुल परफेक्टली ठंडा हो गया। अब हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे, ये थोड़ा सा घी मैंने हाथ पे लगाया है इस तरह से, ये पोर्शन थोड़ा सा लेकर इसको पहले हम स्मूथ राउंड शेप में इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल स्मूथली राउंड शेप दे देंगे पहले। ये देखिए इस तरह से राउंड करके फिंगर्स की हेल्प से इस तरह से हम इसको ये मोदक की शेप दे देंगे। बहुत इजीली आप देख सकते हैं शेप इसकी बन जाती है। और कोई भी फोर्क ले लेंगे या स्पून ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हम निशान लगा देंगे। चारों तरफ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हमने अंदर भी डाला था और थोड़ा सा इस तरह से भी लगा देंगे तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। इसी तरह से हम सब मोदक बना लेंगे। मोदक बनकर बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर डाला था इसलिए ये थोड़े से दरदरे थोड़े से बनते हैं तो वो भी बहुत ही यमी लगते हैं। अगर आप पनीर नहीं डालेंगे तो बिल्कुल मावा की तरह खोए वाले ये मोदक बनेंगे। आप भी बनाइए इस तरह से गणपति जी के लिए प्रसाद मोदक का घर में और पूजन कीजिए। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू एंड इजी सी रेसिपी के साथ मिलेंगे।